अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन एक्टर्स की बात की जाए जो कि कुछ एक फिल्में देकर ही इंडस्ट्री से दूर हो गए, जी हाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक और ऐसे हैंडसम स्टार के बारे में जिन्होंने कुछ हिट फिल्में दी और फिर लाइमलाइट से उन्होंने दूरी बना ली। जैसा कि आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे कि हम सुपरहिट फिल्म राज से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले डीनो मारिया की, जी हाँ डीनो मारिया फिलहाल लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन सिल्वर स्क्रीन से दूर होने के बाद वो अपनी अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब डीनो मारिया इंडस्ट्री में आए थे तो लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी, और भाई हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल डीनो मारिया दिखते ही इतने हैंडसम हैं। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल तो डीनो मारिया की हम उस लाइफ के बारे में बात करते हैं जो कि वो अब जी रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीनो मारिया ने पहली बॉलीवुड फिल्म प्यार में कभी कभी में काम किया, जिसमें उनकी अपोजिट नजर आई थी रिंकी खन्ना। और फिल्मों में आने से पहले ही डीनो मॉडलिंग किया करते थे, जो कि सुपर मॉडल भी रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें उनके टीवी सीरियल की, तो टीवी सीरियल व्योम में वो इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे। ऐसे में डीनो मारिया जब फिल्मों में आए तो वो छा गए और कामयाबी उनको मिल रही थी, लेकिन आगे चल के किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फिल्मों से वो दूर हो गए। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल 2010 में डीनो नजर आए खतरों के खिलाड़ी में, जिसमें वो विनर भी रहे। जी हाँ, उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी फिल्में हिट नहीं हो पाई। ऐसे में डीनो मारिया पर्दे से दूर हो गए। वहीं अगर बात करें डीनो मारिया की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पर्सनल लाइफ के भी काफ़ी चर्चे रहे हैं। जी हाँ, कभी विपाशा के साथ उनका नाम जुड़ा तो कभी किसी और के साथ। ऐसे में कई फोटोशूट भी कराए डीनो मारिया ने। वहीं अगर हम बात करें उनके काम की, तो आज के समय में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और अपने बिजनेस पर वो फोकस किए हुए हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि डीनो ने डीएम जिम नाम से एक फिटनेस सेंटर भी खोला था और इसमें आदित्य ठाकरे का शेयरिंग भी था। ऐसे में 2016 में आदित्य से उनका विवाद हो गया और ये जिम भी बंद हो गया। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल तो डीनो सिर्फ अपने कैफे बिजनेस में बिजी हैं और शायद जल्द ही डिजिटल में डेब्यू भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है हैंडसम स्टार डीनो मारिया के बारे में, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।